हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज मैं चीज मोमोज बनाने जा रही हूँ। ये बड़ी ही इजीली डिश है, आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं और मैं इसको माइक्रोवेव में बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इनमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आप ये देखिए, ये मैंने एक कटोरी सोयाबीन का चूरा लिया है। ये मैंने एक घंटे पहले पानी में बॉईल करके रख दिया था। अब ये मैंने पानी निकाल दिया इसका बाहर, तो ये हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो ये फिलिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, आप ये देखिए। मैंने एक प्याज लिया है, बारीक काट के रखा हुआ है एक बारीक प्याज। ये मैंने गाजर लिया है, ये भी बारीक काटा हुआ है। और ये कुछ चीज के मैंने पीसेस काट के रखे हुए हैं जो मैं फिलिंग के अंदर भरूंगी। और ये जीरा है, ये नमक है, ये लाल मिर्च है कुटी हुई, ये लहसुन है, और ये एक कटोरी मैदा है, और ये कुछ मैंने सूखा मैदा लिया है जो हमें मोमोज को बेलने के काम में आएगा। ये मैंने पानी लिया है, इसे हम इसका आटा गूंदेंगे मोमोज के लिए। ये ऑयल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर दी और ये पैन रख दिया अपना। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। आप ऑयल इसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई सा भी डाल सकते हैं, बट आज मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है। मैं अधिकतर ऑलिव ऑयल ही यूज करती हूँ, ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। इसमें हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा। ये हमने जीरा डाल दिया है। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें अपनी टेस्ट के हिसाब से, अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हो खाना, तो आप इसमें बारीक हरी मिर्च में एक दो डाल सकते हो काट के। मैं नहीं डालती पर, क्योंकि मेरे बच्चों को ये पसंद नहीं है, सिर्फ मैं कुटी लाल मिर्च ही डालूंगी। ये हम इसको थोड़ा सा प्याज को भूनेंगे। ये हल्की सी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ये लहसुन डालेंगे। ये मैंने एक चम्मच लहसुन डाला है। अब हम इसमें ये गाजर डालेंगे। ये मैंने 3 चम्मच लिया है गाजर, इसको भूनेंगे। फ्रेंड, हम ये जो सोयाबीन हमने भिगो के रखी हुई है, हम इसको बारीक पीस लेंगे। और वैसे तो ये देखो बारीक टुकड़ों में है, पर हम इसको बिल्कुल और भी महीन करेंगे, तो इसको थोड़ा हम मिक्सी कर लेंगे। ये देखिए, इतने में हमारी ये गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो गई भूनते, इतने में हमने ये अपना ये सोयाबीन हमने पीस लिया है। ये देखिए, मैंने ये काफी महीन पीसा हुआ है। फिर हम इसको अब ये भून जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे। ये गाजर हमारी देखो गल चुकी है, इसको ऐसे देख लीजिए, ये पक जानी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें ये अपना सोयाबीन डालेंगे। अब हम इसमें ये लाल मिर्च डालेंगे।
मैं ये देखिए मैं एक चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये नमक है, ये मैंने आधी चम्मच नमक डाला है, बस अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है, बस अब हमारी ये मोमोज की फिलिंग तैयार है, गैस बंद कर देंगे। मोमोज की फिलिंग तैयार है, अब हम मोमोज के लिए आटा लगाएंगे। तो ये देखो ये सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको गुनगुने पानी से गूंदेंगे। इसका डो हमें सॉफ्ट ही लगाना है, इसको ज्यादा हार्ड नहीं रखना। इस डो को हम कम से कम आधे घंटे के लिए गूंद के पहले ही रख लेंगे फ्रेंड्स, फिर हम इसके मोमोज बनाएंगे। ये हमारा डो रेडी है, ये मैंने इसको पहले थोड़ा सा बना के रखा हुआ था आधा घंटा पहले। ये इसकी हम ऐसे छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, थोड़ा सूखा मैदा लगा के फिर इसको बेलेंगे। बहुत पतली पतली इसकी हम पूड़ियां बनाएंगे। मैं मोमोज 3 शेप में बनाकर दिखाऊंगी आपको। देखिए बहुत पतली हमने पूड़ी बना ली इस तरह से। अब हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे इस तरह से। इसके बीच में हम एक एक चीज का पीस रखेंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम थोड़ा सा पानी लेके इनके साइड पे लगाएंगे। अब हम इसके साइड साइड में इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा गीला करेंगे पानी से, फिर हम इसको इस तरह से देखो शेप देंगे राउंड राउंड इस तरह से। ये देखिए ये एक शेप तैयार है, अब हम दूसरी बनाएंगे गोली इस तरह से। हम ये चीज डालेंगे फिर पानी लगाएंगे फिर इसको राउंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए ये दूसरी शेप तैयार है, हम तीसरी बनाएंगे। इस तरह से लेंगे
इसमें हम चीज डालेंगे, फिर हम ये पानी लगाएंगे। इसको ऐसे रख के फिर आप इसको इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से इसको ऐसे दबा दीजिए, इसको ऐसे उठा के फिर आप इसको या फिर इस तरह से शेप दे दीजिए, इस तरह से। ये देखिए ये तीन शेप तैयार हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप उस तरह से ही बनाइएगा फ्रेंड्स। इस तरह से मैं दो तीन और बना के दिखा देती हूँ आपको, फिर फटाफट मैं इसको स्टीम करूंगी। फिर मोमोज इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसको माइक्रोवेव में स्टीम करेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। उसके लिए अपनी चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक बड़ा लाल टमाटर लिया है, ये मैंने पीस इसमें काट लिया है। ये 4 लहसुन की कलियां हैं, ये भी डालूंगी इसमें। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने कम से कम आधा या 1 चम्मच ले लिया मैंने। अब हम इसमें थोड़ा सा ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, बस। अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह। अभी हम आपको एक काट के दिखाएंगे, ये वाला देखो इस तरह से। इसके अंदर हमने चीज भरा है, तो ये चीज देखिए बहुत हॉट है, ये इस तरह से देखिए निकल के आएगी चीज। तो बस हमारे मोमोज रेडी हैं, इस तरह से रखेंगे सारी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मोमोज बनके रेडी हैं। ये आप इसको हरी अपनी ये लाल चटनी के साथ और मेयोनीज के साथ खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।